भी एमसीसी के वॉयलेशंस होते रहे, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24. सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आवर ग्राउंड्स एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट. वी हैव सेट, वी आर पुटिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑन नोटिस. मीन्स वी हैव आस्क्ड पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव कॉपी ऑफ आवर गाइडलाइंस टू ईच स्टार कैंपेनर. पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे, उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए. ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस एंड वी विल प्रज्यूम नॉलेज ऑफ द गाइडलाइंस. दिस इज द टू, दीज आर द टू फंडामेंटल चेंजेस विच वी हैव मेड साइलेंटली. पीपल वर आस्किंग यू इशूड सो मेनी नोटिसेज लास्ट टाइम, डिड नथिंग, यू लेफ्ट इट एट दैट. That was a moral censor. Now we will go beyond. We will go beyond, and here we have said we will also look at the past. We will also look at the history. We might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be. जो MCC violations किस प्रकार की हो सकती हैं? I mean statements which should inspire rather than divide. Issue based campaign हो. Hate speeches, religious speeches, private life ka criticism is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. Isme humne editors ko bhi advisory issue ki hai. Wo ek newspaper mein bada bada upar mein chhap jata hai ki iski lehar aur uski lehar. अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि एडवर्टाइजमेंट है. लेट इट नॉट पास थ्रू एडवर्टाइजमेंट. वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज. नाउ द टाइम इज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन टू गो बियॉन्ड एडवाइजरीज, टेक कंक्रीट एक्शन फॉर विच इन द एडवाइजरीज देर आर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द एक्ट्स विच आर ऑल्सो इन बिल्ड. सो नोटिस इज देयर, नॉलेज इज देयर, सेक्शंस आर देयर. सो प्लीज आवर रिक्वेस्ट इज कि कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन. ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है. सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ. प्लीज बी सिविलाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन, दिस इज वॉट इज आर एडवाइस. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है. रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए. तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है, थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो. फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बहुत सारी स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनकी एक्टिविटीज को हमने कदम उठाए हैं. ये मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हर फील्ड के अंदर में वी आर रेडी that how we would control this. क्या किया है, around 537 registered unrecognized political parties have been taken out of the political space. वो क्या करती थी, किसी के नाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, गाड़ियों की परमिशन ले ली, दूसरा कोई यूज कर रहा है, किस्म किस्म की भांति एंटाइटलमेंट ले लिया, भांति भांति का. वो देवर क्लटरिंग द पोलिटिकल स्पेस, क्राउडिंग आउट द जेन्यून पर्सन. सो दैट इज वॉट इट हैज बीन डन. सारी फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और जितनी भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं वो सब डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमारे पास आएंगी, ऐसा हमने उनको कहा, डायरेक्शंस दे दिए, इट इज स्टार्टेड कमिंग. तो जो भी पॉलिटिकल फाइनेंस की चर्चा देश में चल रही है उसके साथ साथ ये भी कार्य पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है, बिकॉज कमीशन ऑलवेज बिलीव्स इन द ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फाइनेंसिंग. Plummeting level, I have already said. We have also asked the political parties to be very, very respectful to the persons with disabilities in their discourse, not to use the abusive words, also to not use children at all during the campaigning. बच्चे नहीं है इसलिए कि उन्हें campaigning में लाया जाए. We'll be very strict if anybody does that. We are also giving advisories to political parties that have internal organizational structures within your party, within the parameters and in a right form.
फ्रेंड्स, वी आर अपॉइंटिंग 2100 ऑब्जर्वर्स. जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ को फील्ड ऑफिसर्स तो करेंगे ही करेंगे, हम 2100 ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर रहे हैं. और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है, और जो भी डीओज लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे. इंड्यूसमेंट एंड कोअर्शन, इंटीमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे. फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में, उसका डिप्लॉयमेंट रेंडमाइज्ड हो. ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया काम नहीं कर रही, या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है. दे विल बी रेंडमाइजिंग द फोर्स. एंटायर इलेक्शन मशीनरी विल बी रेंडमाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर्स. नाउ हैविंग डन ऑल दिस, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था, तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, हमारे इलेक्शंस कैसे होंगे. सो लेट मी शो यू दिस, व्हाट इज आर एफर्ट, व्हाट इज आर एंडेवर. एज ए लास्ट स्लाइड लेट मी शेल यू, देर आर रिड्यूस्ड रीपोल्स, दैट इज व्हाट वी आर एंडेवरिंग. जीरो वॉयलेंस, दैट्स व्हाट वी आर एंडेवरिंग. नो इंड्यूसमेंट्स, इस पे कार्य हो. फेक न्यूज कर्ब की जाए. कैंपेनिंग क्लटर और बदमिजाजी कम हो, और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े. जो 67% पार्टिसिपेशन था वो बढ़ के अधिक से अधिक पहुंचे. विद दिस आई वुड लाइक टू इन द एंड अपील टू द वोटर्स दैट इलेक्शंस बिलोंग टू यू. बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में, आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है. वी आर हैंडिंग ओवर द बैटन टू यू, प्लीज कम एंड वोट. पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे, उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ, वो आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है. इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें. उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो वील बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती. अगर एक दो करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे. वील बी रूथलेस. एंड लास्टली माई अपील टू द पॉलिटिकल पार्टीज अगेन, वी आर वेरी कमिटेड फॉर एथिकल पॉलिटिकल डिस्कोर्स. आई वुड लाइक पार्टीज टू अगेन अपील दैट प्लीज मेंटेन डोकोरम इन कैंपेनिंग एंड रिफ्रेन फ्रॉम अब्यूजेज एंड पर्सनल अटैक्स. राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए. फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे. दुश्मनी जमके करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो. और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है, तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके. विद दिस आई वुड वंस अगेन थैंक ऑल द प्रेस मीडिया हु हैव कम हियर वेरी सिंसियरली. दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन नाउ 3.5 years. यू आर आर नेचुरल एलाइज, यू आर आईज एंड ईयर्स. हमारा कोई क्रिटिसिज्म होता है आप करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं आप करते हैं. आप ही के थ्रू हम वोटर्स पे पहुंच सकते हैं. प्लीज वोटर्स तक हमारी बात पहुंचाइए, उनको बाहर निकलवाइए. ये सारी स्लाइड्स, सारा प्रेजेंटेशन आपको अभी तुरंत इसी माध्यम से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा. डाउनलोड, यूज इट इन योर स्टोरीज. कुछ और चाहिए तो हमें बताइए, हम देंगे. नाउ आई कम टू द शेड्यूल विच यू आर वेटिंग एंड आई होप आई डिडंट डिले इट. आई हैव नॉट बोर्ड यू बाई वॉट आई सेड. सो नाउ will be announcing schedule in 3 phases. First, for the by-elections, there are 26 assembly constituencies in the country jahan by-poll hona abhi hai due. Bihar, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Maharashtra, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Telangana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu. इन सब राज्यों में
बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की, 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे, और यह उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा। बट ऑल दी 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू दी बाई पोल सो दैट ड्यूरिंग दिस इलेक्शन इटसेल्फ वी कैन कंप्लीट दिस एंटायर प्रोसेस। अगर आपने नोट कर लिया हो तो नाउ आई कम टू दी असेंबली इलेक्शंस। साथियों, चार राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को विथ 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24 जून विद 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अरुणाचल प्रदेश ऑन 2 जून विद 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आंध्र प्रदेश ऑन 11 जून 24 विद 175 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दीज आर द साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, दे विल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, दे विल ऑल्सो बी हेल्ड इन द सेम फेज वेयर द पार्लियामेंट इलेक्शंस विल बी हेल्ड। तो नाउ व्हेन आई टेल यू द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस देन आई विल टेल यू, बट इन केस ऑफ आंध्र प्रदेश द डेट ऑफ इश्यू ऑफ गजट नोटिफिकेशन वुड बी 18th of April 2024 और डेट ऑफ पोल वुड बी 13th May 2024। तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13th May 2024 को होगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी। 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन फेजेस एंड फर्स्ट फेज वुड बी ऑन 18 अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 13 मई। फिफ्थ फेज में होगा सेकंड फेज ऑफ द असेंबली ऑफ उड़ीसा 26 अप्रैल एंड 20 मई। देन सिक्स्थ फेज एंड सेवेंथ फेज ऑल्सो उड़ीसा वुड हैव द असेंबली इलेक्शंस, सिक्स्थ फेज बीइंग ऑन 29 अप्रैल एंड 25 मई इलेक्शंस। ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो। कमिंग टू द जनरल इलेक्शंस, टू द एशियानेट न्यूज नेटवर्क प्रस्तुति, नीव नोड़ी एशियानेट सुवर्णा न्यूज।